सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन फोर के नोटिस से काफ़ी सारे टेक्सपेयर्स परेशान हैं उसी से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं काफ़ी सारे जो एसोसिएशन्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वन टाइम एमनेस्टी स्कीम के लिए क्योंकि पहले भी जो एमनेस्टी स्कीम आई है जिनमें आपकी जी एस थ्री बी की जो लेट फीस है उसको रिड्यूस किया गया है लेकिन वहाँ आपको सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फ़ोर में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है यानी कि लेट फीस तो आपकी माफ़ कर दी गई है लेकिन अगर आपका आई टाइम बार्ट हो गया है तो आप उस आई को क्लेम नहीं कर सकते काफ़ी केसेस में जो है टेक्सपेयर्स ने आईटीसी को क्लेम कर लिया है अब जो है नोटिस आ रहे हैं तो उसी सिचुएशन में अब ये एमनेस्टी स्कीम की डिमांड की जा रही है तो यहाँ भी ये जो रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है एसोसिएशन हैज़ रिक्वेस्टेड दैट ग्रांट ऑफ वन टाइम एमनेस स्कीम आनी चाहिए सेक्शन सिक्सटीन सबसेक्शन फोर के लिए कवरिंग अ द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट जुलाई से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक यानी कि फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन से तो उस पीरियड के लिए आपके पास एक तो कोविड के दौरान ही एमनेस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप अपनी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर लीजिए एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से जो आपकी थ्री बी पेंडिंग थी उनके लिए साथ ही लेट फीस पर भी कैपिंग लगाई गई थी और इसका जो है फ़ायदा काफ़ी सारे टैक्सपेयर्स ने लिया तो लेकिन जैसा कि अभी आपके वो मैंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए थे तो ये जो आ, एमनेस्टी स्कीम है ये सिर्फ सेक्शन सिक्सटीन सबसेक्शन फ़ोर के लिए डिमांड की जा रही है और ये क्यों की जा रही है क्योंकि ड्यू टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस नेशन वाइड ड्यू टू नोटिस इशू बाय डिपार्टमेंट रिगार्डिंग नॉन कम्प्लायस विद द प्रोविजन आउटलाइन इन सेक्शन फोर सिक्सटीन सबसेक्शन फोर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एज मैंडेटेड बाई एक्ट क्योंकि डेक्सपेयर्स ने जो है टाइम बार्ड जो उनका आई टी सी हो गया था उसको भी क्लेम कर लिया है the repercussion of non-compliance have been significant leading to unnecessarily litigations and disruption in business operation. by addressing this issue, not it will alleviate the burden on business, but also extend its benefit across the entire nation. in the light of representation received and potential positive impact it could on the business, फ्रेटर्निटी तो यहाँ पे जो है एमनेस स्कीम की डिमांड की गई है तो ये जो लेटर है ये जुड़ा है आपके रिप्रेजेंटेशन जो की आई है एमनेसटी स्कीम डिमांड को लेके जो कि सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन फोर के लिए जिसमें आपको सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन फोर मेंशन किया गया है बेसिकली ये है क्या कि आप अपने पर्टिकुलर ईयर का जो आईटीसी मान लीजिए बाईस तेईस का जो आईटीसी है वो कब तक क्लेम कर सकते हैं पहले क्या प्रोविजन थे कि से, जो भी सितंबर महीने की आपकी थ्री बी की ड्यू डेट थी ईयर एंड होने के बाद जो सेप्टेम्बर मंथ आता है उसकी जी एस फाइलिंग की जो ड्यू डेट है तब तक ही आप आई को क्लेम कर पाएंगे उसके बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते लेकिन अब जो है थर्टीथ नवंबर फिक्स हो चुकी है यानी कि जो ईयर एंड होगा उसके बाद जो तीस नवंबर आएगी तब तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं तो काफ़ी सारे केसेस हैं जिनमें कि आईटीसी क्लेम किया गया है तो वो केसेस से जुड़े जो नोटिस आ रहे हैं उनसे परेशान हैं काफ़ी टैक्स पेयर्स तो उसी को लेकर के केमनेस्टी स्कीम की डिमांड की गई है अगर आप भी चाहते हैं कि सिक्सटीन सेक्शन सिक्सटीन सबसेक्शन फोर में कोई रिलीफ आए तो आप भी uh, जो है इसे सपोर्ट कीजिएगा